ये कहानी है 21 अक्टूबर 2022 का। सुबह उठते हुए हम तीन दोस्त इकट्ठे हो गए और कहीं दूर जाने का प्लान बनाया। हमने अपनी सफर की आगाज नगरे बाजार से शुरू किया। नगरे इलाका अमाजे की खूबसूरती और सादगी लाजवाब है, और हमारा प्लान था नगरे से मदाहिल अबासिन दरबन तक का, और दरबन तक जाने के लिए हमने सफर नगरे बाजार से शुरू किया। और जाते जाते हम हानान डेरे पहुंच गया, और ये सफर 7 किलोमीटर के फासिले पे था। हमने आराम से 10-15 मिनट में तय किया। और हानान डेरे में हमने एक होटल में स्टे किया और वहां पर चाय में पिया। और अपना सफर हानान डेरे से एक नई अंदाज के साथ अबासिन की तरफ शुरू किया। तो इस वक्त हम डेरे में मौजूद हैं और न्यू तुरगर होटल में हमने चाय पिया और उसके बाद हमने अपनी सफ़र की आगाज़ शुरू किया। इस वक्त हम पेट्रोल पंप में मौजूद हैं और यहाँ इस पेट्रोल पंप में हम अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं और इसके बाद हमने अपनी सफ़र की आगाज़ शुरू करते हैं। अच्छा, तो हम तीन बंदे थे, एक था हमारे साथ ये वाला और ये है दूसरा हमारे साथ उजैर खान, और ये मैं हूँ। इस वक्त हम बाइक से उतर चुका है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और आगे सफ़र बाकी है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा थक चुका है और हमने सोचा थोड़ा वॉकिंग कर रहे भी और आपको आगे जो भी सिचुएशन आ रहे वो आपको दिखाएँगे इस वीडियो में। तो इंशाल्लाह हमारे YouTube चैनल पर इस तरह की वीडियो आते रहेंगी, लेकिन आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और अभी हमारा सफर है बाकी है, हम आगे भी जाने वाला है और थोड़ा सा स्टे कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप इस तरह की मौसम चेक कर सकते हैं, तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है और दूर दराजों में पहाड़ों में जो है बर्फ़बारी भी पड़ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो में, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो वो जो दूर दराज में पहाड़ नज़र आता है उसमें बर्फ़ हो चुकी है, वो जो पहाड़ नज़र आपको आता है। फिर हम जो है अपने सफ़र को बरकरार रखते हुए आपको इस वीडियो में अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे।
अच्छा, तो इस वक्त है हम बिल्कुल अवासीन के करीब पहुंच चुकी है और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, देखिए इस साइड पे मैं मौजूद हूँ और सामने भी बहुत ज़्यादा बड़ा पहाड़ है जहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा और साफ सुथरा पानी नीचे आ रहा है। तो मैं उस पानी तक जा रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पर पानी देखो कितना साफ और सुथरा पानी है। और इस वक्त हम तुरगर आ चुका है, ज़िला तुरगर अबासिन की साइड पे हम आ चुका है। और ये देखो भाई कितना साफ सुथरा पानी है, और ये देखो ये, और हम आगे जा रहे हैं, अभी हमारा इंतज़ार है कश्ती तक, वहाँ पर कश्ती खड़ी है, ये उसके साथ कोई है नहीं तो हमें उसी तक इंतज़ार करना है और इसके बाद हम अबासिन में जाएंगे। ये देखो भाई अबासिन के मज़े देखो यहाँ पर, और इतना ज़्यादा खुशी हो रहा है कि मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर, यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा है कि मैं जाऊँ वापसी अपने गांव। इतना खूबसूरत इलाका है और यहाँ पे खूबसूरत पानी भी है, मौसम भी अच्छी है, इलाका भी अच्छी है, और काफ़ी मज़ा आया आज की ट्रिप में क्योंकि हम बाइक पर 3 बंदे थे और गप भी सही था, हम गपशप मार देते और मौसम जो है वो भी सर्दी की मौसम है, तो काफ़ी मज़ा आया वीडियो की और इस ट्रिप का क्योंकि ये मेरा ज़िंदगी का एक यादगार ट्रिप होगी क्योंकि इस तरह जगहों पे मैं बहुत कम जा चुका हूँ और यहाँ की जो खुशी है उसकी कोई मिसाल नहीं है और यहाँ की जो खूबसूरती है उसकी भी कोई मिसाल नहीं है। तो आप इंजॉय कीजिए इस वीडियो को। अच्छा, तो हमने किश्ती वाले से बात की लेकिन वो हमारी बात को मानने को तैयार नहीं था और बस हमारी सफ़र यहाँ तक थी। और काफ़ी मज़ा आया इस ट्रिप में और ये अबासिन जो है हमें यहाँ तक आना था और बस यहाँ पर आ गया और फिर किश्ती वाले से बात हो गया लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं था, हमें वहाँ तक जाना था इस अबासिन में किश्ती में लेकिन वो बात नहीं माना। और अब हमारी वापसी है गांव की तरफ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।